कहानी की शुरुआत होती है जॉन ब्रिजर नाम के एक आदमी से जो आज ही जेल से छूटा था। इस वक्त वो वेनिस में था और उसने बाहर आते ही अपनी बेटी स्टेला को फोन किया। उसने स्टेला से कहा कि वो उसे एक तोहफा देना चाहता है, मगर स्टेला ने पूछा कि क्या उसके पास बिल है। असल में स्टेला जानती थी कि उसका बाप बहुत शातिर चोर है। खैर, थोड़ी देर बाद हम जॉन को अपने बाकी साथियों से मिलते हुए देखते हैं। इस बार वो एक पानी में बने घर से सोने के बिस्किट चुराने वाले थे जिनकी कीमत 3.5 करोड़ डॉलर्स थी। प्लान के मुताबिक उन्होंने तिजोरी के नीचे बॉम्ब लगाकर धमाका कर दिया, जिससे वो तिजोरी सीधा पानी में आ गिरी। जल्द ही उनके पीछे पुलिस पड़ गई, मगर वो जैसे तैसे सोने के साथ भागने में कामयाब रहे। आखिरकार वो सब बर्फीले पहाड़ों तक आ पहुंचे, जहां जॉन ने चार्ली की तारीफ की, क्योंकि चार्ली ने ही इस चोरी की सारी प्लानिंग की थी। इसके बाद जब वो आगे बढ़े तो अचानक एक पुल पर स्टीव के आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। इधर स्टीव ने हैंडसम रॉब के सर पर बंदूक रखी और जल्द ही स्टीव के आदमी बस से चोरी किया हुआ सोना उतारने लगे। जैसे ही जॉन ने बस से उतरने की कोशिश की तो स्टीव ने उस पर भी बंदूक तान दी। स्टीव के इस धोखे पर जॉन ने कहा कि मेरे साथी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मगर स्टीव तो सोने के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने बॉस जॉन को ही गोली मार दी। उसी वक्त हैंडसम रॉब ने बस दौड़ाई तो वो सीधा बर्फीले पानी में जा गिरी। ऊपर से स्टीव ने उन पर धुआंधार गोलियां बरसाई ताकि उनमें से कोई भी जिंदा न बच सके, लेकिन खुशकिस्मती से वो सभी जिंदा बच गए और तैर कर नदी किनारे आ गए। बाहर आकर चार्ली ने अपने बॉस जॉन की मौत का गम मनाया और फिर उसके कातिल स्टीव से बदला लेने की कसम खाई। इसके एक साल बाद हम देखते हैं कि जॉन की बेटी स्टेला पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ताले खोलने की नौकरी करती थी। एक दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो चार्ली उससे मिलने आया और कहा कि उसने स्टीव का पता लगा लिया है और वो उससे चोरी किया हुआ सोना वापस लूटना चाहता है। वो चाहता था कि स्टेला भी इस मिशन में शामिल हो, मगर स्टेला ने कहा कि वो अपने बाप की तरह चोर नहीं है। लेकिन फिर रात को स्टेला का मन बदल गया और उसने चार्ली को फोन करके कहा कि जब वो स्टीव से सोना चुरा लेंगे तो वो स्टीव के चेहरे की हवाइयां उड़ते हुए देखना चाहती है। अगली सुबह चार्ली ने स्टेला को पूरी टीम से मिलवाया और जल्द ही वो सब अपने प्लान की तैयारी में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने स्टीव के घर का पता निकाला और कैमरास की पहचान की। इसके बाद उन्होंने स्टेला को जासूस बनाकर स्टीव के घर भेजने का फैसला किया, क्योंकि उनमें से सिर्फ वही थी जिसे स्टीव नहीं जानता था। वहीं दूसरी ओर स्टीवन येवहन नाम के एक आदमी को सोने के बिस्किट्स बेच रहा था। येवहन ने उससे 4 बिस्किट खरीदे और कहा कि वो आगे और भी सोना खरीदेगा। वहीं चार्ली की टीम स्टीव के हर कदम पर नजर रखे हुए थी। उन्होंने स्टेला को टीवी ठीक करने वाली मैकेनिक बनाकर स्टीव के घर में भेजने का फैसला किया। इसके लिए रॉब ने एक मैकेनिक महिला से मीठी मीठी बातें करके उसे बहलाया और उसके साथ रात गुजारी। फिर अगली सुबह उसने उस लड़की की यूनिफॉर्म और उसकी वैन की चाबी भी चुरा ली। भाई कतई गंदा आदमी है रॉब। जल्द ही उसने ये यूनिफॉर्म और चाबी स्टेला को दी और स्टेला ने केबल वाली का भेस बना लिया। इसके बाद लेफ्ट ईयर ने स्टीव के टीवी की तार काट दी ताकि स्टीव केबल वालों को फोन करे। फिर उन्होंने खुद ही स्टीव से बात की और स्टेला को उसके यहाँ भेजा। फिर स्टेला अपनी शर्ट पर छोटा सा कैमरा लगाकर उसके घर पहुंची। उसकी खूबसूरती देखकर स्टीव अपनी अमीरी का दिखावा करने लगा। खैर, स्टेला के कैमरे की मदद से उन्हें घर के कोने कोने का नक्शा मिल गया। इधर स्टीव स्टेला से फ्लर्ट करने लगा और उसे डेट पर जाने के लिए पूछा। पहले तो स्टेला ने मना कर दिया, पर फिर बाद में वो राजी हो गई। आखिरकार जब वो वापस आई तो चार्ली ने पूरी टीम के साथ मिलकर आगे का प्लान बनाया। उन्होंने मिनी कूपर के अंदर सोने के भार जितना लोहा रखा और फिर स्टेला को गाड़ी चलाने को कहा। लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि गाड़ी में चोरी का सारा सोना नहीं आ पाएगा। फिर उन्होंने रेंच नाम के एक मैकेनिक को बुलाया जो उनके काम की गाड़ी बना सकता था। वहीं दूसरी ओर लाइल ने ट्रैफिक सिस्टम हैक कर लिया। फिर उसने चार्ली को बुलाया और उसने अपनी मर्जी से ट्रैफिक लाइट्स बदल कर सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा कर दिखाया। ये देख कर चार्ली उससे काफी खुश था। उधर लेफ्ट ईयर भी इस मिशन के लिए बॉम्ब्स बनाने में जुटा हुआ था। कुछ ही समय में रेंच ने भी गाड़ियां मॉडिफाई कर दी और फिर चार्ली की टीम उन्हें टेस्ट करने निकली। इतनी जबरदस्त गाड़ियां देखकर वो सब बेहद खुश थे। वहीं दूसरी ओर स्टीव और गोल्ड बिस्किट्स बेचने के लिए येवहन के अड्डे पर पहुंचा। बातों ही बातों में येवहन ने वेनिस में हुई सोने की चोरी के बारे में बात की, जिससे स्टीव थोड़ा घबरा गया। उसने गुस्से में येवहन का गला पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसने इस चोरी के बारे में किस किस को बताया है। येवहन ने कहा भी कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन स्टीव ने गुस्से में उसे डेस्क पर पटका और उस पर गोली चलाकर उसकी जान ले ली। कुछ ही समय बाद येवहन का भाई मैशकॉव वहां पहुंचा। जैसे उसने अपने भाई की लाश देखी तो वो हक्का बक्का रह गया। असल में वो यूक्रेनियन माफिया गैंग का लीडर था और अब उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। इसी दौरान चार्ली और लेफ्ट ईयर स्किनी पीट नाम के गुंडे से हथियार खरीदने पहुंचे। रास्ते में चार्ली ने लेफ्ट ईयर को कहा कि भाई उसको घूरियो मत, ठीक है।
पर जैसे ही लेफ्ट ईयर ने स्किनी पीट को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। असल में स्किनी पीट पतला नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा मोटा आदमी था। उधर मैशकॉव और उसके गुंडे येवहेन के कातिल को भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। मैशकॉव ने येवहेन के एक चेले को बुलाकर पूछताछ की तो पता चला कि एक लंबे काले बालों वाला बड़ा सा आदमी येवहेन से सोने के बिस्किट्स खरीदता था। अब मैशकॉव समझ गया कि ये स्किनी पीट की बात कर रहा है। वो तुरंत स्किनी पीट के पास पहुंचा और उससे सोने के बिस्किट्स और येवहेन की मौत के बारे में पूछताछ की। वहीं दूसरी ओर चार्ली और उसकी टीम प्लान के अगले पड़ाव की तैयारी कर रहे थे। लाइल स्टीव पर नजर रखे हुए था और उसने देखा कि स्टीव स्टेला के साथ डेट पर जाने के लिए निकल गया था। जब चार्ली और उसकी टीम उसके घर से सोना चुराने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टीव के पड़ोसी पार्टी कर रहे थे। इतने लोगों के होते हुए वो यहाँ धमाका करके चोरी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब स्टेला को मजबूरी में स्टीव के साथ डेट पर जाना पड़ा। रेस्टोरेंट में स्टीव स्टेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगा और बाद में उसने स्टेला को अपने साथ घर चलने को कहा, लेकिन स्टेला ने इनकार करके कहा कि मुझे लोगों पर विश्वास तो है लेकिन उनके अंदर छुपे राक्षस पर नहीं। असल में ये बात उसके पिता जॉन अक्सर कहा करते थे। ये सुनकर स्टीव ने कहा कि उसने ये बात पहले भी कहीं सुनी हुई है और अचानक स्टेला का हाथ पकड़ लिया। लेकिन तभी पूरी टीम रेस्टोरेंट में पहुंच गई और उन सबको जिंदा देखकर स्टीव के होश ही उड़ गए। अब वो समझ गया कि भाई यहाँ तो मैं सेफ नहीं हूँ। खैर, फिर उसने अपने हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बताते हुए कहा कि वो उसकी तिजोरी कभी नहीं खोल पाएंगे। तब चार्ली ने अचानक उसके मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारा। इसके बाद वो सब अपने अड्डे पर लौट आए और चार्ली ने स्टेला को शांत किया। फिर जल्द ही लाइल ने उन्हें खबर दी कि स्टीव अपना पूरा सोना मेक्सिको भेजने की फिराक में है। ये सुनकर चार्ली को आइडिया आया कि वो रास्ते में ही तिजोरी को चुरा सकते हैं। फिर लाइल ने कहा कि भाई अभी अभी उससे मिलके आए हो, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसी चोरी होने देगा? अपना सोना ट्रांसफर करने के लिए स्टीव बहुत ही अच्छे ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करने वाला है। फिर बाद में स्किनी पीट ने चार्ली को फोन करके येवहेन के कत्ल के बारे में पूछा। इस पर चार्ली ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। बाद में चार्ली रॉब के साथ चोरी के लिए नया ट्रक देखने गया। फिर उसने रेंच को फोन करके इस ट्रक को मॉडिफाई करने का काम दिया। तब रेंच ने कहा कि वो भी इस चोरी में शामिल होना चाहता है, तो चार्ली ने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाद में चार्ली और लेफ्ट ईयर उस पुल के नीचे बॉम्ब्स लगाने पहुंचे जहां से अगले दिन सोने से भरा ट्रक गुजरना था। आखिरकार अगली सुबह हुई और पूरी टीम स्टीव के सोने के ट्रक्स का बेसब्री से इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि स्टीव ने उन्हें भटकाने के लिए 3 ट्रक्स भेजे थे। खैर, चार्ली को पहले ही इसका एहसास हो गया था, इसलिए उसने कहा कि उन्हें उस ट्रक का पीछा करना है जिसके साथ हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। इसके बाद चार्ली ने लाइल को तीनों ट्रक्स के पहियों का भार चेक करने को कहा। उसके मुताबिक जिस ट्रक के पहियों पर ज्यादा भार होगा उसी ट्रक में असली सोना है। जल्द ही लाइल ने सीसीटीवी कैमरास देखकर उसे बताया कि ट्रक नंबर 128 का भार सबसे ज्यादा है। कुछ देर तक तो चार्ली की टीम ने उनका पीछा किया, पर अचानक एक चौराहे से तीनों ट्रक्स अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। तब लाइल ने ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल करके ट्रक 128 वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा दिया। उधर स्टीव ऊपर हेलीकॉप्टर से ये सब देख रहा था। उसने तुरंत अपने पायलट को पीछे मुड़ने को कहा। इधर लाइल ने ट्रैफिक लाइट्स की मदद से ट्रक नंबर 128 को अपने रास्ते से भटका दिया। जल्द ही चार्ली की टीम इस ट्रक तक पहुंच गई और दोनों ट्रक्स में जबरदस्त रेस शुरू हो गई। चार्ली का ट्रक तो सीढ़ियों से होते हुए ट्रेन स्टेशन भी पार कर गया और तभी लाइल ने एक बटन दबाकर ट्रेन भी रोक दी ताकि उनका ट्रक समय पर पुल के नीचे पहुंच सके। आखिरकार वो जैसे तैसे पुल के नीचे पहुंचे और रेंच के इशारे का इंतजार करने लगे। जैसे ही रेंच ने ट्रक 128 को पुल पर जाते हुए देखा, लेफ्ट ईयर ने पुल पर लगे बॉम्ब्स में धमाका कर दिया। इस धमाके से सड़क टूट गई और ट्रक सीधा नीचे आ गिरा। उसी वक्त रेंच ने एक बटन दबाकर सड़क पर फट्टा लगा दिया। उधर स्टीव ने अपने गुंडों को जल्द से जल्द ट्रक ढूंढने को कहा। इधर चार्ली की टीम को ट्रक तो मिल गया मगर उसके अंदर की तिजोरी देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में ये वो तिजोरी नहीं थी जो स्टेला ने स्टीव के घर में देखी थी। चार्ली ने फिर स्टेला को इस तिजोरी को खोलने की कोशिश करने को कहा। स्टेला ने कहा कि इसका पासवर्ड पता लगाना बेहद मुश्किल है, इसलिए उसने ड्रिलिंग मशीन से तिजोरी तोड़ने का फैसला किया। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद वो कामयाब रही और जल्द ही उन्होंने सारा सोना अपनी मिनी कूपर में भर दिया। सारा सोना लेकर पूरी टीम खुशी मनाते हुए वहां से निकल पड़ी, मगर कुछ ही पलों में स्टीव के आदमी भी उनका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। जल्द ही उन्होंने चार्ली की टीम पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। तब चार्ली ने भी उन पर जवाबी हमला किया और जल्द ही वो हाईवे पर चढ़ गए। उसी पल स्टीव ने उन्हें हेलीकॉप्टर से देख लिया और उनका पीछा करने लगा। अचानक चार्ली ने रास्ता बदला पर स्टीव वहां भी आ गया। एक पॉइंट पर चार्ली की गाड़ी हेलीकॉप्टर से टकराने ही वाली थी कि वो गाड़ी को तेजी से मोड़कर बच निकला। तभी स्टीव भी हेलीकॉप्टर से उतरा और किसी की गाड़ी चुरा कर चार्ली का पीछा करने लगा।
इधर चार्ली ने तुरंत मिनी कूपर एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा दी और अपनी टीम के साथ दूसरी गाड़ी में भाग निकला। इधर स्टीव अब भी उनके पीछे लगा हुआ था। जब उसने चार्ली की टीम को ट्रेन के डिब्बे से निकलते देखा तो उसकी मुलाकात रेंच से हुई। उसने रेंच को वहाँ काम करने वाला समझ लिया और उसे $5,000 का लालच देकर मिनी कूपर के पास ले जाने को कहा। रेंच ने पैसे लेकर ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा खोल दिया, मगर ये क्या, उसमें से अचानक चार्ली बाहर निकला और स्टीव की बेवकूफी पर हंसने लगा, क्योंकि अब स्टीव के पास कुछ भी नहीं बचा था। अचानक स्टीव ने अपनी बंदूक निकाल ली और वो चार्ली को मारने ही वाला था कि उसी वक्त यूक्रेनियन माफिया गैंग वहां पहुंची। स्टीव ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो माफिया लीडर ने कहा कि वो येवहन का भाई है। ये सुनकर स्टीव का खून सूख गया और वो कहने लगा कि येवहन की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर माफिया बॉस ने उसकी एक ना सुनी। मौका देखकर स्टेला ने भी अपने पिता की जान लेने के लिए स्टीव के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। इसके बाद माफिया गैंग के गुंडे उसे पकड़ कर ले गए और इधर चार्ली की टीम ढेर सारे सोने के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।